अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सुमेरा, वेलकम टू कुकनोलॉजी। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन बोनलेस कढ़ाही। ये मटन कढ़ाही मैं घर के मसालों से बनाने वाली हूँ। बाज़ार से एक्स्ट्रा मसाला लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाऊँगी। गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गलेगा और मसाला भी बेहद ज़बरदस्त बनेगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। चलें तो स्टार्ट करते हैं। पैन में एक कप पानी लिया, एक बड़ी साइज़ की प्याज और दो बड़ी साइज़ के टमाटर ऐड किए। हाई फ्लेम पे एक दो बॉयल आने के बाद मैंने ठंडा करके इसका पेस्ट बना लिया है। पैन में दोबारा एक कप पानी ऐड किया, आधी चाय की चम्मच नमक और आधी चाय की चम्मच हल्दी ऐड की, थोड़ा सा मिक्स किया। एक किलो बोनलेस मटन है इस तरीके से क्यूब्स की सूरत में कटा हुआ, ये इसमें ऐड किया। कवर करके हाई फ्लेम पे दो मिनट के लिए कुक किया, उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए कुक किया। मटन 90% तक गल चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किया आधा कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक किया। दो बड़े खाने के चम्मच लहसुन अदरक क्रश करके ऐड की। 2 मिनट के लिए मज़ीद भूनूंगी हाई फ्लेम पे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चाय की चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय की चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय की चम्मच काली मिर्च, 1 चाय की चम्मच नमक, आधी चाय की चम्मच हल्दी और आधी चाय की चम्मच गरम मसाला। 2-3 मिनट के लिए दोबारा से हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करूंगी ताकि मसाले कच्चे ना रह जाएं। अब मैं प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड करूंगी जो हमने पहले से बना के रखा है। दोबारा से अच्छे तरीके से कुक करके बहुत अच्छा सा मसाला रेडी करना है। फ्लेम हाई रहेगा। देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है, पानी वगैरह सारा ख़त्म हो चुका है। अब फिर आधा कप दही ऐड करना है और अच्छे तरीके से इसको कुक करना है। 2 मिनट के लिए इसी तरीके से हाई फ्लेम पे कुक करना है। देखें हल्का हल्का ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड किया और कवर करके 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक किया है। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त बोनलेस मटन कढ़ाही रेडी है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाही बन के रेडी हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।